फिर राजधानी भोपाल से सामने आ रही है, जहां पर आज पीएम आवास योजना के तहत हितग्राहियों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। आपको बता दें कि 1 लाख से भी ज्यादा हितग्राहियों को होगा लाभ वितरित। जी हाँ, ये लाभ वितरित सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। वहीं 70,000 हितग्राहियों को गृह प्रवेश करवाया जाएगा। ये बड़ी खबर आ रही है राजधानी भोपाल से, जहां पर 30,000 से अधिक हितग्राहियों को 300 करोड़ रुपए की पहली किस्त मिलेगी। ये बड़ी खबर आ रही है राजधानी भोपाल से, जहां पर आज पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। वहीं 1 लाख से भी ज्यादा हितग्राहियों को लाभ वितरित किया जाएगा। इस खबर को लेकर हमारे साथ भोपाल संवाददाता अमीन बेग जुड़ रहे हैं। अमीन, बताएं, पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को इतनी बड़ी सौगात मिलने जा रही है, क्या कुछ अपडेट है? ये एक बड़ी बात कही जा सकती है, क्योंकि मध्यप्रदेश सरकार की कोशिश यही रही है कि जल्द से जल्द जो गरीब लोग हैं, जिनके पास खुद के मकान नहीं है, खुद की ज़मीन नहीं है, उनको घर बनाकर दिए जाएं। और ये तकरीबन ये कह सकते हैं कि 2-3 सालों के भीतर ही ऐसे कई सारे कार्यक्रम हो चुके हैं, जहां पर घरों की चाबियां खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो गरीब लोगों को सौंपते हैं। और आज भी एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है भोपाल के रविंद्र भवन में, ये कार्यक्रम होगा जहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो जो मकान बनाए गए हैं आवास योजना के अंतर्गत, उनको घर सौंपेंगे। और कुल मिलाकर कोशिश यही है कि जिस तरीके का एक टारगेट सरकार की तरफ से रखा गया था कि 2023-24 तक जो है सभी जो गरीब लोग हैं उनको उनके उनकी छत दी जाए, उनको उनके मकान दिए जाए, उसी कड़ी में आज ये मकान वितरित किए जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री ने इसको लेकर कल शाम को ही जो है मीडिया से बात करते हुए कहा था कि ये एक बहुत खुशी का विषय है, क्योंकि पूरी उम्र गुजर जाती है घर बनाने में और बहुत मुश्किल आती है लोगों को एक घर बनाने में, जो है लोग पूरी ज़िंदगी कमाई लगा देते हैं। और इसलिए ये सरकार ये योजना लेकर आई ताकि लोगों को उनके उनका ज़मीन मिल सके, उनकी छत मिल सके। और उसी के अंतर्गत आप भोपाल शहर में देखिए कई जगहों पर जो है वो गरीबों के लिए घर बनाए गए हैं, मल्टी स्टोरी ये घर बनाए गए हैं और एक टोकन सिस्टम के तहत ये मकान दिए जाते हैं। और आज भी जिन लोगों को ये मकान दिए जाएंगे वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे और उनको ये घर वितरित किए जाएंगे। जी ग्रामीण, आगामी विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, तो आगे क्या कुछ सौगातें हितग्राहियों को मिल सकती हैं? देखिए, बिल्कुल लगातार हम पिछले दिनों देख ही रहे हैं कि जब जन दर्शन के तहत मुख्यमंत्री लोगों से मिल रहे हैं तो कई सारी मुख्यमंत्री घोषणाएं भी कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि कई सारी ऐसी घोषणाएं भी हैं जो लंबे समय से जो लोग मांग भी कर रहे थे। खासतौर पर आप देखिए कि जो बीपीएल कार्ड धारक होते हैं उनके इलाज की बात हो, उनके घर में शादी की बात हो, या फिर दूसरे दीगर बातें हों, या पढ़ाई लिखाई की बात हो, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं इसको लेकर लगातार जो है मुख्यमंत्री संवेदनशीलता दिखाते रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि लाडली बहना योजना शुरू की गई। कुल मिला के कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसका सीधा फ़ायदा जो है वो आम लोगों को मिलता है। और ये प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर मुख्यमंत्री आवास योजना हो, कहीं ना कहीं इन दोनों योजनाओं के ज़रिए जो है आम लोगों को घर मिलता है। और जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश में चुनाव भी हैं और चुनाव के मद्देनज़र कई सारी घोषणाएं आने वाले दिनों में हमको देखने को मिलेंगी। और इसे राजनीतिक अगर परिदृश्य देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरकार की बीजेपी की कोशिश भी यही है कि जितना हो सके आचार संहिता लगने से पहले जो है वो पेंडिंग पड़े कामों को निपटा दिया जाए, ताकि जनता के बीच में एक ऐसा मैसेज जाए कि जो हमने वादा किया था या फिर जो हमने अपने मैनिफेस्टो में जो बात कही थी वो मैनिफेस्टो की बात हमने पूरी कर दी है। कल जब मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम में पहुंचे थे तो वो किसानों की बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि किसानों का कर्जा कमलनाथ ने माफ़ नहीं किया, लेकिन जो ब्याज था वो सरकार भर रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आचार संहिता लगने से पहले कई सारी इस तरह की चीज़ें हमको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती हैं। जी आमीन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।